सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग का UGSC का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कर लिए होंगे और आप लोग कर रहे होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं बात करने वाला हूँ कि अभी तो आप लोग का UGSC 2024 का भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन चलेंगे। कब तक? 10 जून तक। ओके, 10 जून के बाद आप लोग को 15 जून को बोला गया है कि आप लोग को मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आपको दो तरह से आएगा। यहाँ पर तो एक आपका UR रैंक शो करेगा। UR कहने का मतलब जनरल रैंक। बिहार में आपको क्या जनरल रैंक बना है, यानी कि बिहार में जितने भी स्टूडेंट UGSC के अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल बिहार के UR रैंक बनेगा। एक आपको कैट रैंक बनेगा, यानी कि कैटेगरी रैंक। तो UR में आपका ओवरऑल बन जाएगा और एक आपका कैटेगरी में बन जाएगा कि आपको कैटेगरी बार कितना रैंक बना है। ओके फ्रेंड्स, तो 15 जून को आएगा, तो मैं अभी दिखा देता हूँ 4-5-6 जो कि मेरे पास रैंक कार्ड है। बहुतों को मैंने काउंसलिंग पिछले साल भी किया था, तो मैं कुछ यहाँ पर सैंपल दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले कि पिछले साल अपना CRL रैंक पर, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट था जेई मेंस के, उसके बेसिस पर क्या रैंक बना था। ओके, तो एक आपको सैंपल भी पता चल जाएगा और किस तरह से आपको दिखेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रेंड टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट मेरे से पेड काउंसलिंग नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लो। मैं सारा चीजें मैं आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैं सारा चीजें मैं कर दूंगा। आपको कॉलेज दिलाने तक पूरा सपोर्ट रहेगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ, मैं 4 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, ये मैं एक गारंटी देता हूँ। मैं सीनियर हूँ आप लोग का, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। कोई ऐसा नई चीज है कि आप लोग का 200-300 रुपये के कुछ भी करेंगे, मैं नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर मैं अच्छे से काउंसलिंग कर दूंगा, च्वाइस भर दूंगा ताकि आपको अच्छे से आपको कॉलेज मिल जाए। ओके, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो दिए गए नंबर पर। ओके, तो फ्रेंड्स अभी मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग को 15 जून को आप लोग का मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले कुछ इसी तरह से आप लोग का रैंक कार्ड आएगा बिहार के लिए। जब 15 जून आएगा तो उसमें सारा स्टूडेंट्स का वहां से रैंक कार्ड जो कि रिलीज हो जाएगा BCC UGSC का, जहां से डाउनलोड का सेक्शन था वहीं से हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक पता चले कि किस टाइप का मेरा रैंक कार्ड आएगा। तो देखो, इस तरह से आएंगे रैंक कार्ड। UGSC 2023 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2024। उसके बाद आपको UGSC ID यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप हुआ होगा। उसके बाद जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर होगा। जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक रहेगा, यानी कि CRL रैंक जो है ये यहाँ पर देख सकते हो। इस स्टूडेंट का 9,28,867 बना था। सारा चीजें आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी लिखा हुआ रहेगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हो वही रहेगा। ओके, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर जो सीट के लिए किए होंगे NRI के लिए तो होगा, नहीं तो नो, सारा चीजें लिखा हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद नीचे मैं आता हूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंस यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पर UGSC 2024 रहेगा, अभी तो 3 है। कैटेगरी वाइज आपको स्टेट रैंक है। ओके, यानी कि बिहार स्टेट में कितना आपको रैंक बना है। एक तो यहाँ पर देख सकते हो कि अनरिजर्व से आया है, यानी कि UR रैंक, यानी कि जनरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टूडेंट्स का CRL रैंक 9,28,000 कुछ था, 867 था। तो यहाँ पर UR रैंक कितना बन रहा था इस स्टूडेंट को, 8,773। और BC में इसका रैंक क्या बन रहा था, 3,287। तो एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भैया मुझे इतना इतना के लपेट में है, इतना रैंक आ रहा है CRL, तो लगभग लगभग इसके अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो, आप 10-15 आप मान सकते हो ऊपर नीचे यहाँ पर है, बाकी अप्रोक्सीमेट इसी टाइप का रहेगा। ओके, तो ये एक तो मैं दिखा दिया, बहुत तो को मैं किया था, तो अभी मैं कुछ और दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट्स का जो कि जेई मेंस का रैंक था 11,12,637। तो इसका क्या बना था UR रैंक, 9,481। ABC में कितना बना था, 2,392। तो आप एक अप्रोक्सीमेट देख पा रहे होगे कि आपका क्या रैंक बन रहा होगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 1,94,709 इसका रैंक था CRL रैंक,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओके। तो इसका क्या रैंक बना, इसका रैंक जो बना है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यूआर में कितना बना है 1651 और ईबीसी में 398। तो इस तरह से आपको रैंक बनेंगे, और मैं दिखा देता हूँ, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 947,000 कुछ बना था, तो यहाँ पर 8,834 और यहाँ पर बीसी में कितना बना है इस स्टूडेंट को 3,313। उसी तरह से और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ओवरऑल इंडिया में सीआरएल रैंक कितना था, 275,000, ओके 279 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व में इसका बना था 2,791, वही एससी में देख सकते हो 140 बना था, ओके 140 बना था एससी कैटेगरी में। और मैं दिखा देता हूँ, बहुतों का है लेकिन यहाँ पर मैं जो यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए दिखाने के लिए मैं कुछ सैंपल को लिया हूँ। यहाँ पर सीआर रैंक देख सकते हो कि 928,000 है, तो यहाँ पर इसका बना है क्या 8,743 और बीसी में क्या बना है 3,287। तो ये देख सकते हो कि एक आपको अनुमान लग गया कि किस टाइप का आप लोग का रैंक कार्ड आएगा 15 तारीख को, और क्या क्या रैंक रहेगा, कितना रैंक पर सीआरएल पर क्या रैंक बन रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो, मैं वही चीजें दिखाता हूँ जो मैं किया हूँ, ऐसा कोई फेक टेक नहीं बनाता हूँ वीडियो। आप लोग को बस ट्रस्ट करो मेरे पर, मैं सारा चीजें काम करूंगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ, ओके। तो इस तरह का है, बहुत तो स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पर किया था और फीडबैक भी बहुत से स्टूडेंट दिए हैं कि भाई अब मेरा कॉलेज मिल गया, यहाँ पर मैं 40-45 परसेंटाइल पर गया कि मैकेनिकल ब्रांच दिया आया था। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग बस मेरे ग्रुप में बने रहो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मैं सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।